हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज आपको फैटी लीवर के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही आम तौर पे देखने को अब लोगों में मिल रहा है ये प्रॉब्लम, कि जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उनको फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लिखा हुआ दिखता है। आखिर ये क्या है और इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या इलाज है, हम इसमें किस तरह से सावधानियां लेंगे ताकि आगे कोई बड़ी बीमारी ना हो सके, और इससे क्या क्या बड़ी बीमारी हो सकती हैं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। फैटी लीवर डिजीज, देखिए नाम से ही बीमारी के बारे में पता चल रहा है कि ये क्या बीमारी है और इसमें क्या होता है। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि एक नॉर्मल लीवर, ऊपर का जो पिक्चर है लीवर का, वो बिना फैट के किस तरह से दिखता है, और जब उसमें फैट आ जाता है, यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर दूसरा पिक्चर दिखाया गया है, तो किस तरह से वो हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो अपना स्वरूप बदल के बिगड़ता जाता है, जब केस तो सिरोसिस ऑफ लीवर यानी लीवर फेल्योर हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल से एबनॉर्मल होने का प्रोसेस है, ये एक बड़ी बीमारी बनने का प्रोसेस है, ये कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तब तक नहीं पता चलता जब तक उनका अल्ट्रासाउंड नहीं होता। तो यहाँ पे और क्या सिम्टम होते हैं जिससे हमको ये पता चल सके कि फैटी लीवर हो सकता है? तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है, पेटों की स्वेलन, जो पेट होते हैं वो, अगर इंसान का पेट ज़रूरत से ज़्यादा स्वेल किया हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों का पेट निकला होता है जिसे कहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं फैटी लीवर उसको हो गया है या हो रहा है। दूसरा सिम्टम हो सकता है पुरुषों में, महिलाओं जैसे बड़े बड़े स्तन, जो कि नॉर्मल नहीं होता है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये भी एक संभावना हो सकती है। तीसरा है आँखों का और स्किन का कलर, यानी चमड़े का कलर पीला दिखना, अगर ऐसा दिख रहा है तो भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेटों में हमेशा भारीपन पेट में बना रहना, ठीक है, आए दिन दवा लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर भारीपन सा रहता है, कभी कभार होना अलग बात है, खाने पीने में गड़बड़ होने से हो जाता है, लेकिन जिसको लगातार ऐसा बना है उसको अपनी जांच करानी चाहिए। पेट में लगातार दर्द बना हुआ है तो उसको तुरंत जांच करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक दो बार दर्द हो, दवा खा लिए ठीक हो गया, वो ठीक है, लेकिन बार बार हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है शरीर में। थकान लगना या कमजोरी लगना बेवजह, तो वो भी एक अच्छा सिम्टम नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जी मचलाना या उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना, वजन कम होना, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो भी आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। या फिर दिमाग काम ना करना, कन्फ्यूजन सा हो जाना, ऐसा होता हो आपके साथ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें शुरुआती लक्षण होते हैं जो पता चलते हैं। लेकिन ये सिम्टम तब आते हैं जब फैटी लीवर के ग्रेड 2 या ग्रेड 2 से ज़्यादा की कंडीशन आ चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, ये इसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई बीमारी आपको बार बार हो रही है तो उसको खुद इलाज करने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर बार बार कोई चीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो आपके पहुंच से बाहर है और उसके लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा की ज़रूरत है। अब आते हैं ये कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। नाम से ही पता चल रहा है कि जो अल्कोहलिक होता है यानी उसमें अल्कोहल लेने के बाद होता है, ये जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर से अगर उनको हिपेटाइटिस सी या बी का इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत तेज़ी से उनके अंदर ये बीमारी फैलती है। ऐसे लोगों में जो LFT होता है, LFT में SGOT हमेशा SGPT से ज़्यादा आता है, तो अगर कोई शराब पीने का आदी है, उसको लत है और पता लगाना है, तो ये भी एक तरीका है कि आप उसका LFT टेस्ट करा लीजिए। फिर दूसरा तरीका है नॉन अल्कोहलिक, इसमें SGPT SGOT से ज़्यादा होता है,
यह होता कैसे है? देखिए, जो शराब नहीं पी रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं होगा, जो नहीं पी रहा है उसको ज़्यादा संभावना है यह होगा। और उसकी वजह क्या है? सबसे पहला तो जो पैकिंग का जो तेल इस्तेमाल होता है पैकेट का, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जो प्रोसेस्ड फूड है, बाहर का खाना पीना है, जो लोग होटल में ज़्यादा खाते हैं या फिर टिफिन का खाना लगा के रखे हैं, जो बैचलर्स हैं बाहर रहते हैं उनके खाने के में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रखते, उन लोगों में ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें नंबर एक पे आता है वो लोग जिनका गॉल ब्लैडर पथरी की वजह से पहले ही निकाल दिया गया है। तो जिनका गॉल ब्लैडर पहले ही निकाल दिया जाता है, फिर वहाँ पे फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है ओबेसिटी यानी मोटापा, जिनका कमर का साइज ज़्यादा हो चुका है उनमें ये संभावना ज़्यादा हो सकती है, जिन्हें डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको हो सकता है। जनरली हाई ब्लड प्रेशर वालों में लिपिड प्रोफाइल भी ज़्यादा मिलता है, जिसमें स्पेशली टीजी और एलडीएल ज़्यादा होता है उनको हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी, तो उसमें भी हो सकता है। और जो फीमेल में पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बीमारी होती है, इसमें भी ये संभावना होती है। फिर ओएसए होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस फूलने लगना, नींद टूट जाना, उन लोगों में भी ये ज़्यादा चांसेस होता है होने का। या फिर वो लोग जिनका कोई स्टेरॉयड का से ट्रीटमेंट चल रहा हो, स्टेरॉयड दवा से या कोई अन्य एलोपैथिक दवा से काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा हो, जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लीवर पे इंजरी होने की वजह से एनएफएलडी यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज डेवलप हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहलिक में सिर्फ एक वजह है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक में बहुत सारी वजह है। जो अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनको कैसे ये बीमारी होती है और हो सकती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं अगर समय से इसका इलाज ना किया जाए, क्योंकि देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ख़तरनाक होता है। लीवर कैंसर या लीवर फेल्योर, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, ये सबसे ख़तरनाक और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन होता है। और ये जब होता है तो साथ में ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, हेपेटाइटिस, ज्वाइंटिस होता है मैलिग्नेंट टाइप का, एसाइटिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, हाथ पांव सूज जाते हैं, वजन गिरने लगता है, खून की उल्टी या हो सकती है, या फिर लैट्रिन में खून आ सकता है, काले रंग का लैट्रिन हो सकता है जिसे मलीना कहते हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी, या फिर ये हो सकता है कि बेहोश हो जाए वो पेशेंट, और ये सारी चीज़ें होते होते डेथ हो जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट में अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, शराबी है, तो वो सबसे पहले उसका शराब बंद कराना ज़रूरी है, और अगर रेगुलर नहीं ले रहा है तो उसका अमाउंट कम करना ज़रूरी है, जो कि मेडिकली बोला जाता है कुछ अमाउंट, लेकिन ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा तो वो लोग उसको फिक्स क्राइटेरिया समझ लेंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। और बस यही कोशिश करिए कि कम से कम अल्कोहल और ज़्यादा दिन के ड्यूरेशन में ही यूज करिए। दूसरी चीज़ ये है कि वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करिए, एक्सरसाइज डेली करिए, डाइट मेंटेन रखिए, खान पान में आप कैसा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ का खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। अपने BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को आपको मेंटेन करके रखना है। होम्योपैथी में इसका स्थायी इलाज है, इसके लिए आपको होम्योपैथी में जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, थोड़े समय के लिए कम हो जाता है लेकिन फिर से वापस आता है और फिर धीरे धीरे भयानक बीमारी बन जाती है।